बजे है ना मामा, 2 बजे खा रहे हैं हम। सब मेरा कसूर है, मेरी मैगी का कसूर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अदर ब्लॉग्स। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ कुकिंग। मशरूम मैगी की डिश बनाने वाला हूँ, बट मेरे को बिल्कुल नहीं आती। खुद सुबह मेरे दिमाग में आया कि आज मैं बनाऊंगा मशरूम मैगी, क्योंकि मशरूम हमने घर में लगाई हुई है। तो उधर से सुबह मैं गया, सुबह देखी मैंने कि 4-5 मशरूम हो गई थी। तो फिलहाल हम बनाते हैं मशरूम मैगी, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, अपने तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। सो गाइस, मशरूम भी आ गई और मैगी भी आ गई। अब हम इसको मशरूम को काट लेते हैं थोड़े छोटे छोटे पीस से, और फिर आगे का सामान करते हैं। हमारा सामान हो गया रेडी, मशरूम भी कट हो गई, ये मैगी आ गई, और ये प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है। तो ये सब हम इसमें डालेंगे, तो देखते हैं कैसा, चलो अच्छा बनता है या नहीं बनता। वैसे अब ऑयल को होने देते हैं थोड़ा गर्म अच्छे से। ऑयल गर्म हो गया, तो गैस हमारा मसाला हो गया रेडी। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं। तब तक थोड़ा लाल होने दो, काफ़ी मस्त मसाला लग रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला और मशरूम। तो गैस ये है मैगी मसाला, ये डालेंगे, ये थोड़ी सी मशरूम, मशरूम गाइस। मैगी हमने डाल दी बीच में, कुछ इस टाइप की है। हम तो अब हम करने वाले हैं इसको मिक्स। आप इसमें 1 गिलास पानी डाल दो। बस 10 मिनट में हमारी मशरूम मैगी तैयार। मैगी तो रेडी हो गई, तो गैस मेरी मैगी होगी रेडी, मशरूम मैगी होगी रेडी। तो फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं पहले। सो गैस मैगी लेके मैं जा रहा हूँ छत पे, तो उधर ही बैठ के खाएंगे, तो काफी मजा आने वाला है। आपको पता था कि मैं ऐसी मैगी बनाऊंगा कभी? मुझको तो नहीं मालूम था। चाय भी बहुत अच्छी बनी थी, चाय भी अच्छी बनी थी। सामने धूप पड़ रही है। मेरी मैगी के चक्कर में सुबह का खाना हम खा रहे हैं, कितने बजे? 2 बजे है ना मामा, 2 बजे खा रहे हैं हम। सब मेरा कसूर है, मेरी मैगी का कसूर है। तो चलो कोई बात नहीं। तो कैसे मम्मा ने तो बता दिया मैगी अच्छी है, तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी इतनी अच्छी मैगी आती है बनाने, मशरूम मैगी इतनी अच्छी बनाने आती है। तो चलो
अब मेरे को मम्मा बोल रहे हैं कि आज फिर से चाय बना के लेके आ, तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। सो गैस, मेरा पार्सल आ गया और जो मेरा माइक ऑर्डर किया था वो मेरे से गिर गया था, तो मेरे को मतलब लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो रिप्लेसमेंट की वैलिडिटी थी तो मैंने कर दिया रिप्लेस। तो अभी मेरे को आज डिलीवर हुआ है तो मैं इसकी कर दी अनबॉक्सिंग। ये देखो, आप देख सकते हो, अनबॉक्स हो गया। तो ऑनलाइन चीज़ों की ये फैसिलिटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम करते हैं इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मैंने 3 दिन चलाया और मेरे से ये गिर गया था, मतलब छत से गिरा था, कच्ची जगह भी नहीं थी, ठीक जगह थी, पत्थर थे। तो मैंने सोचा कि यार कहीं ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने सोचा रिप्लेसमेंट की वैलिडिटी तो है, तो मैंने उसी दिन रिप्लेसमेंट किया। दूसरे दिन मेरा पिक हुआ और 3 दिन के बाद मुझे फिर से नया माइक मिल गया। तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो उसी माइक में हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यार, कि मतलब था कुछ नहीं इसको, बट मेरे को वहम था कि कहीं यार गिरा है, कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आज मेरे को डिलीवर हो गया बस। तो फ़िलहाल मैं जाता हूँ नीचे, तो बाकी देखते हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और मैंने छत पे आना ही होता है, क्योंकि जब तक मैं शाम को छत पे ना आऊँ मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं छत पे आया हूँ या नहीं आया हूँ। सो कि आज मैंने फिर टाइम स्लिप लगाई सनसेट की, बट 10 मिनट लगाई, इतनी सी टाइम स्लिप, इतने सी रिकॉर्ड हुआ, तो अच्छे से सनसेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। वैसे भी हमारे घर के पीछे से सनसेट बड़ा ही बढ़िया होता है, बड़ा मस्त सनसेट होता है। मैं थोड़ा लेट हो गया, अच्छे से टाइम स्लैप नहीं लगा पाया। मौका मिले तो मैं कभी ना कभी लंबा सनसेट ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। तो फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ मैं दूध लेने, तो मिलते हैं सीधा रात को खाना खाने के बाद। सो गैस, खा पी के आ गया मैं रूम में। तो कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन। आज के दिन मैगी बनाई, सबको बड़ी पसंद आई, सब ने खाई। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कुकिंग कैसी लगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बच्चा पार्टी क्या करी यहाँ पे?